दोस्तों मुंबई इंडियंस लखनऊ के खिलाफ अपना आखिरी लीग मुकाबला भी 18 रनों से हार गई। 214 के टारगेट को चेस करते हुए मुंबई इंडियंस केवल 196 रन ही बना पाई, जिसमें हितमान शर्मा जी का एक बड़ा रोल है। ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के लिए आखिरी मैच था, इसके बाद वो कभी भी वानखेड़े में चौके छक्के लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। इसलिए रोहित शर्मा एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद जब पवेलियन वापस लौट रहे थे तो वानखेड़े के क्राउड ने खड़े होकर अपने स्टार बल्लेबाज के लिए तालियां बजाई। रोहित शर्मा का ये आखिरी मैच होने के पीछे तर्क ये दे जा रहा है कि अगले साल होने वाले मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज कर देगी, क्योंकि किसी भी फ्रेंचाइज के पास एक विदेशी खिलाड़ी से 4 खिलाड़ी को रिटेन करने की पावर है। ऐसे में मुंबई इंडियंस कैप्टन हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव को ही रिटेन करेगी, जबकि रोहित शर्मा 37 साल के हो चुके हैं और वो अब कैप्टन भी नहीं है, इसलिए मुंबई इंडियंस अब उन्हें रिटेन नहीं करने वाली है। लेकिन मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की लेगेसी बहुत बड़ी है। मुंबई इंडियंस के अधिकतर फैन फॉलोइंग रोहित शर्मा के आसपास ही घूमती है। उन्होंने 5 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया है, इसलिए उम्मीद यही है कि मुंबई इंडियंस अपने चैंपियन कैप्टन को यूं ही बेगाना नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस कैंप में वापस आएंगे और शायद वो कैप्टन भी बन जाएं, क्योंकि रोहित शर्मा की इंपॉर्टेंस मुंबई इंडियंस को भी पता है। अगर मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को यूं ही छोड़ देती है तो उससे ज्यादा घटिया फ्रेंचाइज कोई नहीं होने वाली है। खैर, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस अपने साथ रखेगी या रिलीज करके पल्ला झाड़ लेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।